Are you looking for a free online learning program which is government approved also? Then you are at the right place. Let's talk about this topic. But first, hey guys, welcome to the College Mela once again. This is Dr. Shubhra. Those who have been earlier here, welcome back. Those who are new, welcome to the College Mela. आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम स्वयं इन इंडिया विच वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और यहाँ पर इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ये AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम्स हैं तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कम्प्लीशन। सो आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ के रेजिडेंट्स को इन लर्निंग इम्प्रूव कराने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती रहती है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स देती रहती हैं। उन्हीं में से ये एक पार्ट है, इसका नाम है स्वयं और स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है जिसको कोई भी कर सकता है, लाइक एनी वन फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि ऑनलाइन है तो आप कहीं पर भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो और इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 300 से ज्यादा कोर्सेज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट इस कोर्स के थ्रू प्रोवाइड करा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं तो आपने डिजिटल मार्केटिंग अगर पहले नहीं की हुई है और आपने डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन एक छोटा सा कोर्स कर लिया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आपकी जो अर्निंग है उसको बढ़ा सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और अच्छा कर सकता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप बिजनेस में हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस एक्सपेंड करे, उसकी और अच्छी इनकम्स हो, तो आप चाहेंगे कि आप मार्केटिंग के बारे में सीखें, आप डिजिटल मार्केटिंग, आप सोशल मार्केटिंग, जो भी बहुत सारी मार्केटिंग के तरीके होते हैं, तो उनमें से कोई भी जो आपके लिए बेस्ट कोर्स हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप अकाउंट सीख सकते हैं, आप फोटोग्राफी में हैं तो आप फोटोग्राफी में या उसके जो और एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं वो सीख सकते हैं। और डेफिनेटली जो नई नई स्किल्स हम सीखते हैं वो उन स्किल्स को हम जब अप्लाई करते हैं अपने काम पर तो इट इम्प्रूव्स आवर वर्क, मेक्स अस लाइक एन एसेट फॉर अ कंपनी इन विच वी आर वर्किंग, और अगर बिजनेस में हैं तो वो हमारा वहाँ पर भी फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली दीज कोर्सेज आर टू एड अप ऑन, और आप चाहें जितने कोर्सेज एक के बाद एक कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज इसमें से कर सकते हैं और आप इन कोर्सेज के बारे में पढ़कर, लर्न करके, एक्स्ट्रा स्किल्स सीखकर और आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स को लर्न करके जिस भी आप प्लेस पर अभी हैं वहां से डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि इंडिया में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत कमी है, दैट इज वाई इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक पॉपुलेशन स्किल्ड सो दैट दे कैन वर्क वेरी वेल। सो प्लीज़ टेक एडवांटेज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग, अगर आपको इस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है तो आप ले लीजिए, और ऑनलाइन करने में कोई नुकसान नहीं है। आपको कहीं क्लासेस लेने के लिए नहीं जाना है, आपको अपने ही घर पे, अपने ही बिजनेस, अपने ही ऑफिस में जहां आप हैं वहीं से इस तरीके की क्लासेस को ज्वाइन करना है और नए स्किल्स को लर्न करना है और इनबिल्ट करना है अपनी एक अलग से पर्सनैलिटी। इसमें और एक मज़ेदार बात है कि इस पोर्टल पर जो भी टीचर्स हैं, जो भी लेक्चरर्स हैं वो होंगे IITs, IIMs, BHUs, JNUs, DU, डेफिनेटली द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। इससे अच्छी कोई न्यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इन टीचर्स से पढ़ना, लर्निंग लेना, इतने लर्नर्ड लोगों से सीखना इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। एक्स प्रेजिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था और इसके साथ दो और चीज़ें भी लॉन्च हुई थी, NAD एंड NDL. NAD मतलब नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी और NDL मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी जो है ये यूज़ की जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए टू स्टोर डिग्री एंड टू प्रोवाइड डिग्री ऑनलाइन, एंड NDL इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पर मोर देन 70 लाख बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं इस पोर्टल पर, तो आप वहाँ पर जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें रीड कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ स्वयं के कोर्सेज के बारे में, तो स्वयं में मोर देन 300 कोर्सेज हैं। ये क्लास 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज हैं और इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है, आपकी अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आपको सूटेबल होगा। ये कोर्सेज डिजिटली पढ़ाए जाते हैं। डिजिटली पढ़ाने का मतलब है वेदर यू आर ऑन मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर, तो आप इन चीज़ों से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक की आईडी है या फिर जीमेल की आईडी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का है आपके पास ऑप्शन, तो आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो सारे कोर्सेज हैं ये बहुत ही इंटरैक्टिव हैं। इन्होंने कोर्सेज डेवलप करे हैं, बेसिकली इन्होंने ऑल अराउंड द कंट्री से 1000 से ज़्यादा टीचर्स को कलेक्ट किया फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स सच
as IIT, IIM, JNUs, DU, like that. और वहाँ पर उन जो टीचर्स ने और लेक्चरर्स ने मिलकर एक कोर्स क्रिएट किए हैं इनके लिए 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के में, और आप इन कोर्सेज में से जो आपके लिए सूटेबल हो वो चूज़ कर सकते हैं. सो अब अगर हम बात करें तो ये चार तरीके से इसके अंदर चीज़ें दी हुई हैं. पहला है वीडियो, यानी जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं ऐसे ही लेक्चरर्स आपको वीडियोज़ के थ्रू पढ़ा रहे हैं. सेकंड है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटेबल मटेरियल. आप प्रिंटेबल मटेरियल है चाहे तो डाउनलोड कर लें, चाहे तो उस डाउनलोडेड को प्रिंट फॉर्म में करके एज अ बुक पढ़ लें आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए कि वेदर यू आर लर्निंग प्रॉपर स्किल्स. तो टेस्ट और क्विजेस वो भी होते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं उनके लिए आपको डिस्कशन का पैनल मिलेगा ऑनलाइन, तो आप उनसे डिजिटली डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम बता सकते हैं एंड यू विल गेट योर सोल्यूशन. यानी कि घर बैठे नहीं आपको कॉलेज जाना है, कोई एडमिशन नहीं लेना है, किसी तरीके की कोई फीस पे नहीं करनी है एंड यू आर लर्निंग. तो मतलब एजुकेशन आपके पास अपने आप चलकर आ रही है, तो प्लीज़ बाहें फैलाकर स्वागत कीजिए. इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं इन्होंने 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, उसमें से जैसे कि NCERT, NIOS, इग्नू, AICTE, IIM बैंगलोर, इन सब के सपोर्ट से, ऐसे 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके सपोर्ट से इन्होंने ये सारे कोर्सेज डेवलप करे हैं और ऑल ओवर इंडिया इन कोर्सेज को ये लोग संभालते हैं. इसमें नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग एंड UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन. आप देख रहे होंगे कितने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में, उन सब ने मिलकर इन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया है ताकि एक इंसान जो कि कॉलेज, स्कूल या फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन नहीं कर पाया या नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं और अपनी स्किल्स यानी कि अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ये बात समझ रहे होंगे कि 100 लोग हैं जिन्हें फोटोग्राफी आती है लेकिन उनमें से एडिटिंग जिसको आती है तो डेफिनेटली ये एक बेटर एसेट होगा किसी के पास. उस एडिटिंग में भी मान लीजिए किसी को अगर फोटोशॉप आता है और उसके साथ साथ कोरल भी आता है, लाइट रूम भी आता है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प देम एंड मेक देम स्टैंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज 100 पीपल. तो स्किल्स आपको हमेशा एक अलग स्टैंड देती हैं, तो इन स्किल्स को लर्न करते रहना चाहिए. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग इज कि आप लर्निंग किसी भी उम्र में कर सकते हैं. आपको एज स्पेसिफिक नहीं होना पड़ता कि आप पर्टिकुलर एज के हो गए हैं तो अब आप नहीं सीख सकते हैं. नो, यू कैन लर्न एनीथिंग एट एनी एज. हो सकता है किसी चीज़ को लर्न करने का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, बट आप सीख जरूर जाएंगे. सो स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड स्टे लर्निंग. सो इतनी सारी पॉजिटिव बातें जानने के बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि वॉट इज़ द प्रोसीजर टू रजिस्टर फॉर स्वयं, कि अगर आप चाहते हैं कि स्वयं में आप एंटर करें तो आप कैसे करेंगे. इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं. swayam.nta.ac.in की वेबसाइट से आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. डोंट वरी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं. सो आप इस वेबसाइट पर जाइए, आप रजिस्टर कीजिए. आपको एक एग्जाम देना होगा छोटा सा जो कि बहुत टफ नहीं होता है, तो उस एग्जाम को क्लियर करना है और उसके बाद आपको इस एग्जाम में एंट्री मिलेगी. अब इसमें एप्लीकेशन फीस जो है ये है ₹500 फॉर SC and ST कैंडिडेट एंड फॉर अदर्स इट इज ₹1000. तो इट इज़ नॉट एट ऑल कॉस्टली. इस कोर्स के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस के अलावा और किसी तरीके की कोई फीस नहीं है. आपको जस्ट एग्ज़ाम देनी है और आपको लिंक्स दे दिए जाएंगे. सो यू विल बी लाइक एबल टू गेट ऑल द मटीरियल. आप अपने ही घर में, अपने ही कंफर्ट जोन में बैठकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. इस कोर्स की बहुत अच्छी बात यह है कि देर आर मल्टीपल वेमेन जो कि घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, चाहे वो बच्चे हों, फैमिली हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, जो कि होती हैं बहुत ज़्यादा, वो इस कोर्स को घर बैठे कर सकती हैं और अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकती हैं. फिर उससे क्या होता है, आप स्किल्स इम्प्रूव करने के बाद में इवन वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो. बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो घर से स्टार्ट हो सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनके लिए. तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी, स्पेशली फॉर फीमेल्स. मैं जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और इस कोर्स के बारे में जानिए. अगर आपको इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, स्कॉलरशिप्स के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में जानने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सो दैट ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिन्हें रियल में इसकी ज़रूरत है. आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगा होगा. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. अगर हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें और अच्छे से अच्छा काम करना है, और अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है, और हम और मेहनत और लगन से काम कर पाते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो.
हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।